ये उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिनके अंदर ये स्किल है, ये आर्ट है कि वो नक्काशी करें। कहाँ से कहा, तो इसी में कोई फोटो बना के कोई मतलब प्रेजेंट करते हैं लोग। ये मेरे को 200 रुपये मिलता है एक थाली का। कितना समय लगता है? ये 3 से 4 घंटे 5 घंटा लगता है। मेरे अलावा कोई, मेरा लड़का भी कम काम करता है, ख़त्म होने कगार में है ये काम। ये कांसे और पीतल में कोई कैसे करता? ये है, इसको करेंगे ये पूरा टूट जाएगा, और पीतल इसको करेंगे तो जैसे करेंगे ऐसे मुड़ जाएगी ये। कांसे को इसीलिए कच्चा सोना? हाँ, कच्चा सोना कहते हैं। ये टूटने के बाद भी, जैसे हम ये 1500 रुपये किलो लिए, ये 1200 रुपये किलो कहीं भी आप बेच सकते हैं इसको। अभी सरकार ने आप लोगों के प्रोत्साहन के लिए या इसके बढ़ावे के लिए कोई काम नहीं किया है अब तक? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। आपको स्क्रीन पर कांसे की एक थाली पर नक्काशी होती हुई दिख रही है। हम सतना में हैं और हमें बताया गया कि विंध्य में जब आप आएंगे तो सतना की एक खासियत है कि यहाँ पर जो ब्रोंज है, जिसको हम हिंदी में कांसा कहते हैं, वो यहाँ की खासियत है। यहाँ पर उसको बनाया जाता है, मतलब ये एक तरह का एलॉय है, दो अलग अलग जो क्या कहें बेस को मिक्स करके उसको क्रिएट किया जाता है, और उस पर नक्काशी करने का काम भी यहाँ पर बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जो करते हैं। ये उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिनके अंदर ये स्किल है, ये आर्ट है कि वो नक्काशी करें अलग अलग बर्तनों पर, थाली पर, या जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं इससे। तो हमने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भी यहाँ की इस कला के बारे में, इस खासियत के बारे में बताया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकृष्ण ताम्रकार है। बालकृष्ण जी, आपने ये कहाँ से सीखा, कैसे सीखा और इसकी थोड़ी सी खासियत? ये मैडम, ये काम मेरा पुश्तैनी है। मेरे पहले नाना जी करते थे काम, उनको एक थाली मिली थी। मेरे नाना जी बहुत यहीं के थे लोकल, उन्होंने शादी में जो तिलक में देते हैं तो उन्होंने मेरे पिताजी को दिए थे तिलक में, तो फिर उसी को देख के मेरे पिताजी करने लगे, उसके बाद बड़े भाई साहब करने लगे, फिर अभी मैं कर रहा हूँ करीब 30 साल से। आप तो, 30 साल से जी? तो क्या आप थाली खरीदते हैं यहाँ पर जो बनती है? दुकानों से आती हैं थाली, दुकानों से आती हैं, तो मेरे को मजदूरी मिलती है। अच्छा। जो जैसे कोई पर्सनल आ गया शादी ब्याह के लिए, तो उसमें लड़का लड़की की फ़ोटो बनाना है, कुछ भी होगा, तो फिर मैं करता हूँ। अच्छा, अभी आप इस पे क्या बना रहे हैं? इसमें मैं अभी राधा कृष्ण की बना रहा हूँ। ये दुकानों की हैं, वो मेरे से बनवा के वो बेचते हैं। अभी इसमें बहुत काम बाकी है। तो आपके बिना किसी डिज़ाइन विज़ाइन के बस ऐसे ही उकेरते जाते हैं? नहीं, वो डिज़ाइन कुछ करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले क्या है वो कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक बार बना तो फिर वो मिटा नहीं सकती इसको। तो अभी तो आपने जैसे देखिए खुद से ये? हाँ, ये अभी ऐसे किया हूँ। अच्छा। बाकी थोड़ा वो करना पड़ता है ग्रेविंग। अच्छा। वो तो एक जैसे आप ये पूरा बनाएंगे, आपको इसकी कितनी मजदूरी मिलेगी? ये मेरे को 200 रुपये मिलता है एक थाली का, दुकानों एक थाली का। कितना समय लगता है आपको? ये 3 से 4 घंटे 5 घंटा लगता है एक थाली का। अब हो गया, उसके बाद भी आजकल सब कंप्यूटर चल गए हैं, सभी स्क्रीन प्रिंट चल गए हैं, अब ये काम नाम मात्र को रह गया है यहाँ। अब वो सस्ता पड़ जाता है, आजकल स्क्रीन प्रिंट इसमें होती है, तो अब बिल्कुल ख़त्म होने कगार में है ये काम भाई। अब मेरे अलावा कोई, मेरा लड़का भी कम काम करता है भाई। इसमें देखते हैं कि दिन भर की मजदूरी नहीं मिलती, अब ये 2-2, 3-3 महीने तक पता चला बैठे हैं, कोई काम ही नहीं रहता। तो कुछ हो गया, आदमी मेला एला में कुछ जाता है तो कुछ उसी में आमदनी हो जाती है। बाकी यहाँ का काम बिल्कुल महंगाई की वजह से पूरा लुप्त हो रहा है। तो आप कांसे पे ही करते हैं या पीतल पे भी आप? नहीं, पीतल कांसे सब में बनाता हूँ, और सब ये नई डिजाइनें उजाइने सब, ये सब पूरा, ये सब 100 पीसेस हैं इसमें। तो ये सतना की खासियत है या कांसा यहाँ पर क्या? हाँ, ये पूरे विंध्य में, मतलब आसपास पूरे क्षेत्र में इसकी पहचान है। अब तो लोग बाग जैसे कोई भी
आते हैं तो गिफ्ट के लिए यही देते हैं, क्योंकि ये पूरे बिंद में फेमस है जिला में कांसे का, तो इसी में कोई फोटो बना के कोई मतलब प्रेजेंट करते हैं लोग, इस वजह से काम थोड़ा मिलता रहता है। जैसे अभी नेता होता आए कोई भी आया, अभी मोदी जी को भेंट की गई थी थाली यहाँ की। और तो आपको क्या लगता है ये जो विलुप्ति की कगार पर है, इस पर आप क्या सहयोग चाहते हैं सरकार से या नेताओं से कि ये कैसे ये स्किल तो आगे भी बढ़े? हम ये चाहते हैं कुछ शासन की तरफ से हम लोगों को कुछ कोई डिजाइनर लोग आएँ, थोड़ा कुछ और इसमें बदलाव करें तो हो सकता है। इसकी डिमांड तो बाहर बड़े बड़े शहरों में बहुत है, इसमें पूरा आजकल थाली सेट आता है, ये थाली कटोरा गिलास, अगर कुछ बदलाव किया जाए तो इसकी मांग तो बहुत है मैडम। और मार्केट, मार्केट की कमी है थोड़ा, यहाँ मार्केट दिया जाए, यहाँ के कारीगर भी बहुत हैं सब ये ट्रेनिंग ले लेके, मगर कोई उन लोगों को मार्केट नहीं मिला, इस वजह से सब आदमी लोग घर में बना के सब मजदूरी काम है ही है ज़्यादा यहाँ। आपके हाथ भी बिल्कुल, अरे बिल्कुल ठोस हो गए हैं एकदम लोहा जैसे, पूरा दिन भर काम करना पड़ता है तो इसके मदद से। हाँ ये पूरा ये एयर स्टील का होता है, ये पूरा इसी में धार लगा लगा के सब करते हैं, ये अपने औजार हैं। और वो भी ब्रास ही? हाँ ये पूरा ब्रास ही है, ये इसी तरह। और ये आपने ना ब्रास पे उकेरा है? जी। तो ये गोल्डन सा? हाँ ये जैसे इसका ये कांसे और पीतल में कोई कैसे फर्क है? नहीं वो क्या है टूट जाता है थोड़ा, वो ले आओ वहाँ होगा उसके अलमारी के पास, क्या उसको मोड़ने से वो टूट जाता है। किसे मोड़ने से? मतलब जो कांसा होगा उसको मोड़ेंगे टूट जाएगा, इसको अभी हम मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। और पीतल होगा तो ये पीतल है ये टूटेगा नहीं? ये पीतल है ये थाली? नहीं ये थाली कांसा है? नहीं अब पीतल की ज़्यादा चलती हैं। अच्छा पीतल की? हाँ ये कांसे की हैं, ये है ये पीतल है ये कांसा? हाँ ये कांसा, इसको अभी थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो जैसे कांच टूट जाता है ऐसे टूट जाएगी ये, क्योंकि ये करीब 2000 रुपये किलो चलता है, ये सस्ता पीतल का सस्ता रहता है ये जैसे मैडम ये है, इसको करेंगे ये पूरा टूट जाएगा, और पीतल इसको करेंगे तो जैसे करेंगे ऐसे मुड़ जाएगी ये खासियत होती है इसकी, इसको तो थोड़ा भी ये जैसे कांच टूटता है। तो ज़्यादा महंगा पीतल है या नहीं? कांसा? ये कांसा है मैडम, इसका ये टिन का बनता है, टिन और कांपर मिक्स होके बनता है, तो इसमें महंगा होता है ये, करीब इसका 1200 रुपये के जी स्क्रैप है टूटा फूटा, ये करीब 1500-1800 रुपये के जी नया मिलता है ये। अच्छा। और ये करीब 500 रुपये मिलता है पीतल ब्रास। और रीसेल वैल्यू क्या होती है? रीसेल वैल्यू मतलब? मतलब अगर पुराना है, पुराना मतलब ये पीतल का करीब 500 रुपये के जी है पुराना, और नया करीब 800-900 रुपये किलो नया चलता है, और ये 1200 रुपये है कांसा, और नया करीब 1500-1800 रुपये इसका ये चलता है। कांसे को इसीलिए कच्चा सोना? हाँ कच्चा सोना कहते हैं, ये टूटने के बाद भी जैसे हम ये 1500 रुपये किलो लिए, ये 1200 रुपये किलो कहीं भी आप बेच सकते हैं इसको अगर टूट जाए, टूट जाए टूटने के बाद भी ये। तो ये कच्चे सोने और पीतल के बर्तनों पर नक्काशी करने का काम करते हैं, और हमें यहाँ पर बताया गया कि जैसे यहाँ जो आसपास के घर होते थे पुराने ज़माने में, अब किसी के पास सोना खरीदने का पैसा नहीं है तो वो कांसे की चीज़ें खरीद लेते थे, और जब पैसों की ज़रूरत हो हाँ, तो जाके बराबर कहीं भी जाके इसमें बट्टा भी नहीं काटता, जैसे आप सोना बेचने जाएंगे तो उसमें बट्टा काटते हैं, इसमें कोई बट्टा नहीं, आप कोई भी दुकान में आप जाएँ तुरंत वो पैसा दे देगा जो रेट रहेगा भाई, 1100, 1150, 1200 इसका रेट घटता बढ़ता रहता। अभी सरकार ने आप लोगों के प्रोत्साहन के लिए या इसके बढ़ावे के लिए कोई काम नहीं किया है अब तक? नहीं कोई काम नहीं हुआ, वो जो विश्वकर्मा योजना चली है अभी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है।
अभी जो मोदी जी ने चलाया है, बाकी यहाँ पे अभी कोई जानकारी नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ भाई, सब कारीगर अब यही सीजन में काम रहता है, इसके बाद सब कारीगर मतलब कोई काम नहीं रहता यहाँ पे शादी के सीजन में। अब जैसे काम थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये विंध्य की खासियत है। हम यहाँ पर चुनाव कवर करने आए थे तो हमें लगा कि कल्चर और जो यहाँ की खासियत है उससे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो दिखाई जाए। उसी सिलसिले में हम यहाँ आए और हमने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ पर कांसे और पीतल के बर्तनों पर नक्काशी का काम होता है। बहुत कम ऐसे कारीगर बचे हैं जो अभी ये काम करते हैं, और इनके प्रोत्साहन के लिए इन्होंने कहा कि सरकार को और नेताओं को क्या करना चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि कौन इनके लिए क्या करता है, और जो बताया जाता है कि हम संस्कृति बचाने के लिए या फिर सांस्कृतिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जो सारी स्कीमें निकाल रहे हैं वो क्या इन तक पहुंचती है, इसका इन्हें कुछ फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता है, ये जब हम दोबारा कभी आएंगे बात करेंगे या इसके बारे में अगर हम मतलब यहाँ आए और रिपोर्ट करें तब देखेंगे, तभी पता चलेगा। हमने सोचा ये खासियत आपको दिखाई जाए बताई जाए। यहाँ जब आए हैं इतने दूर तो जो यहाँ पर कारीगर हैं जो बहुत कम बचे हैं उनसे बातचीत करके ज़रा उनकी समस्याएं और उनकी क्या आशाएं हैं उम्मीदें हैं सरकार से ये रिकॉर्ड की जाए। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मेरा नाम सोनल है, आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।